राणा डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामा कृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ, एक महिला डॉक्टर जो थी उसको भी कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। ये आपको इस वीडियो में पूर्ण जानकारी मिलेगी। आपको भी सावधान रहना है कि किस प्रकार से ये हृदय रोग आजकल बढ़ा है और उसकी वजह से व्यक्ति अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं या संकट में आते हैं। कई बार ये हो जाता है कि लकवे जैसी स्थिति में व्यक्ति आ जाता है, अपंग हो जाता है और फिर एक दया का पात्र वाली जिंदगी जीता है। आप ये मान लीजिए, कोई दुर्घटना होने से पहले जो व्यक्ति हेलमेट रखेगा तो उसको चोट आने की संभावनाएं नहीं होगी, और जो व्यक्ति एक्सीडेंट होने के बाद अगर हेलमेट लाता है तो नासमझी है। इसलिए यहाँ अब आप देखेंगे तो बहुत सारे गांवों तक भी हृदय रोग पहुँच चुका है, जिसमें पहले ये रोग नहीं देखे जाते थे, नहीं सुने जाते थे। बड़े धनी परिवारों में क्या ये रोग था, अब ये आम रोग हो गया और हर पंचायत के वार्ड तक पहुँच गया। ऐसी कोई गली नहीं होगी जहाँ पर हृदय रोगी ना हो। इसमें मूल जो कारण होता है, दो ही कारण होते हैं। एक तो जो आप भोजन जो ग्रहण करते हैं उस भोजन से ही धमनियां अवरोधित होती है, और दूसरा हो सकता है मनोवैज्ञानिक कारण में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है वो घरेलू भी हो सकती है, व्यवसाय को लेके हो सकती है, या आपके कोई भी इन्वायरमेंट से संबंधित हो सकती है जिससे व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है। कई बार तो ये भी देखा गया कि आजकल काफ़ी मॉल्स वगैरह खुल गए हैं या शहरों के अंदर गांवों में भी जंक फूड बहुत मिलने लग गए हैं, और फूड ओसीडी भी आजकल हो चुकी है, जो आम व्यक्ति को पता नहीं होता है कि उसको फूड ओसीडी है। इसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा आगे। आज का जो मुद्दा है वो समझना ज़रूरी है कि आप जो आहार लेते हैं उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है। आप जो आहार ले रहे हैं, आधुनिक जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसके साथ में आयुर्वेदिक के रूप में भी षड रस के रूप में भोजन लिया जाता है, और हर भोजन की और उसकी एक प्रकृति होती है जो उष्ण भी हो सकता है, वाजिकारक भी हो सकता है, रेचक भी हो सकता है, विरेचक भी हो सकता है, रसायन भी हो सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे लक्षण होते हैं, उन फूड की एक प्रकृति होती है और फूड आपका मूड भी बदल देता है। तो यहाँ आपको अब मैं जो एक पढ़ के न्यूज सुना रहा हूँ, जो घटना घटी है उससे आप भी सावधान होइए, अपने परिवार को भी सावधान कीजिए, सुनिए। जयपुर दैनिक भास्कर 8/10/2024, महिला डॉक्टर को ओटी में कार्डियक अरेस्ट मौत। हेल्थ रिपोर्टर जयपुर। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में एक महिला रेजिडेंस डॉक्टर की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। मामला 5 अक्टूबर पुराना है। घटना हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर ओटी में हुई। ओटी में महिला डॉक्टर को दिल का दौरा आया और मौत हो गई। हालांकि इस मामले में हॉस्पिटल प्रशासन कुछ भी बोलने से बच रहा है। सूत्रों का कहना है, एनेस्थिया डिपार्टमेंट में काम करने वाले डॉक्टर गरिमा की मौत हुई है। डॉक्टर गरिमा को जब कार्डियक अरेस्ट आया, वह ओटी के वॉशरूम में थी। अटैक आने के बाद वह बेहोश होकर गिर गई थी। जब थोड़ी देर तक वह ओटी में नहीं पहुंची तो साथी स्टाफ और डॉक्टरों ने आवाज़ लगाई, सीपीआर देकर बचाने की कोशिश की। आवाज़ लगाने के बाद जब कोई जवाब नहीं आया तब दरवाज़ा खोलकर डॉक्टर को बाहर निकाला गया। उनको सीपीआर और ज़रूरी ट्रीटमेंट देकर बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन बच नहीं सकी। इस मामले में हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से कोई बयान नहीं दिया। महिला डॉक्टर स्वयं ज़्यादातर कार्डियक डिपार्टमेंट में ऑपरेशन के दौरान मरीजों की एनेस्थिया और सीपीआर देती थी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आजकल ये रोग डॉक्टरों को भी लग गया है। आप जिमों में देखेंगे तो वहाँ पे भी वजन उठाते उठाते हुए भी गिरते हुए आप देखेंगे। तात्पर्य यही है कि आप जो आहार ले रहे हैं उसमें
आपको लिपिड प्रोफाइल करवानी जरूरी है आपके शरीर के अंदर। साल में एक बार करवा लेंगे लिपिड प्रोफाइल तो पता चल जाएगा कि आपके हृदय रोग होने की संभावना कितनी है, खतरे से अंदर है, खतरे से बाहर है, और साथ में किडनी से प्रभावित तो नहीं है, किडनी रोग से प्रभावित तो नहीं है, नहीं इन दोनों का होने से खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आप स्वस्थ रहने के लिए आपको एक लिपिड प्रोफाइल चेक करवा लेनी है। 40 की आयु हो चुकी है, आप लिपिड प्रोफाइल चेक करवा लें। हार्ट अटैक आजकल 25 साल के लड़कों को भी आ रहा है, 25 साल के आयु वालों को भी आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा विचार करने की जरूरत है। या सीधा ये मान लीजिए फूड ओसीडी जो होती है उसके अंदर एक प्रकार से ये भी कहावत है मेरी कि परिंदा दाना तो जानता है पर वहाँ जो फंदा है वो नहीं जानता कि मैं उसके अंदर आ जाऊँगा। ठीक ऐसे ही व्यक्ति कोई भूल कर लेता है कि मैं जो खा रहा हूँ स्वाद के कारण, अब इसके हानिकारक प्रभाव क्या है उसकी जानकारी नहीं होती है। इस प्रकार से आपको जानकारी रखना जरूरी है और ये रोग आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर आपको सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।